मेरठ में लोकसभा चुनाव ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। इस पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मेरठ में याकूब कुरैशी ने भी अब बीएसपी के प्रचार में एंट्री कर दी है। याकूब कुरैशी ने बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के पक्ष में मुस्लिम इलाकों में कई जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अखिलेश यादव ने मुसलमानों के खिलाफ सीएम योगी को उकसाया, इसके गंभीर परिणाम मुसलमान को भुगतने पड़े। उन्होंने सीधे तौर पर अतीक अहमद की मौत के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। मैं आज चुनाव मैदान में उतरा हूं और मुसलमानों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को दे। अच्छा, ये आपने आरोप लगाया है कि जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की जो मौत का जिम्मेदार अखिलेश है, मतलब किस तरीके से उनको? अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि उसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं।